श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सोमवार का दिन है, साथ में अष्टमी तिथि है, यानी सोमवार की अष्टमी है। सोमवार की अष्टमी बहुत ही खास होती है, आप सभी को पता है, और इस चैनल पर बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड भी करी है सोमवार की अष्टमी के उपाय, तो उन वीडियो को तो जरूर देखिएगा, साथ में इस वीडियो को भी देखिएगा। अगर वो वीडियो नहीं देख पाए हैं तो इस वीडियो पर भी आपको उपाय देखने को मिल जाएंगे, ताकि आप सोमवार के अष्टमी के दिन उपाय करके अपनी मनोकामना को पूरी कर सकते हैं। क्योंकि अभी चल रहे हैं गुप्त नवरात्रि, और गुप्त नवरात्रि की भी अष्टमी है, सोमवार की भी अष्टमी है, तो महादेव चाहेंगे तो आपके हर मनोरथ पूरे करेंगे ही करेंगे। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है मोदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में श्री शिवाय नमस्ते हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। आपको आज इस वीडियो में केदारनाथ के दर्शन भी देखने को मिलेंगे। जी हाँ, मैं इंदौर से बिलोंग करती हूँ, और इंदौर में अभी केदारनाथ जी का मंदिर बनाया गया है, उसमें केदारनाथ जी के दर्शन कराए गए हैं, तो मैंने दर्शन किए, तो आप लोगों से भी शेयर करूँ। तो आपको इस वीडियो में छोटी सी क्लिप है जिसमें आपको केदारनाथ जी के दर्शन हो जाएंगे, ये दर्शन कीजिएगा। ये केदारनाथ जी का एक झांकी बनाई गई है, जो केदारनाथ जी का जो मंदिर है उत्तराखंड में, सेम वैसी मंदिर बनाया गया है, और बीच में एक शिला भी रखी गई है महादेव की। तो आप भी दर्शन कीजिए और अपनी मनोकामना बाबा से बोलिए, और महादेव से बोलिए कि आपको भी केदारनाथ के दर्शन अवश्य कराए। पहला उपाय, सोमवार की अष्टमी है और कोई भी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, कई वर्ष हो गए, कई साल हो गए, तो यह उपाय सर्व कामना पूर्ति का है। सोमवार की अष्टमी का यह महा उपाय, इस उपाय को करने से तुरंत कामना पूरी हो जाती है, गुरुजी ने बताया। तो यह उपाय महा उपाय सोमवार की अष्टमी का, तो मौका मत गवाना, कल पूरे दिन भर में जब भी आपको समय मिले आप इस उपाय को कर सकते हैं। यह उपाय है 31 अंक वाला उपाय। जी हाँ, कौन सा उपाय है? 31 अंक वाला। कैसे करेंगे इस उपाय को करने के लिए? आपको लेना है 31 चावल के दाने, यानी कि अक्षत। जी हाँ, 31 चावल के दाने, 31 हरा मूंग, यानी खड़ा मूंग कैसा होता है आप वीडियो में देख लीजिए, और आपको लेना है 31 बेल पत्री। जी हाँ, 31 बेल पत्र। अगर आपको बेल पत्री नहीं मिले तो आप कल सोमवार का दिन है, किसी भी शिवालय जाओगे, बाबा को समर्पित रहेगी, वो उठा सकते हो और धो सकते हो, धोकर फिर उपयोग में ले सकते हो। 31 आपको बेल पत्री लेना है। अब आप जाएंगे शिवालय। जी हाँ, शिवालय पूरे दिन भर में आपको जब समय मिल जाए आप चले जाना, और शिवालय पहुंचकर करना क्या है ध्यान सुनिएगा। 31 चावल के दाने अपने घर से ही गिन कर ले जाए, क्योंकि मंदिर में इतना समय नहीं मिलता है शिवालय में कि हम बैठकर गिने, क्योंकि और भी लोग पूजा में रहते हैं, उनको भी वेट रहता है। तो आप क्या करें, घर से ही 31 चावल के दाने, 31 हरा मूंग गिनकर लेकर जावे। अब क्या करेंगे, शिवालय पहुंचकर सबसे पहले 31 चावल के दाने आपको रखना है अपने सीधे हाथ की हथेली पर। ठीक है, सीधे हाथ की हथेली पर चावल के दाने रखकर मंदिर में जो प्रवेश करोगे, और शिवालय की जो दहलीज होती है, पूरे मंदिर की दहलीज नहीं, जहाँ शिवलिंग रखी रहती है, शिवलिंग शिवालय जहाँ बना रहता है, वहाँ की जो दहलीज होती है, वहाँ की दहलीज में आपका उल्टे हाथ तरफ, जी हाँ, आप मंदिर में प्रवेश करोगे तो आपका जो उल्टा हाथ पड़े, आपके उल्टे हाथ तरफ आपको क्या करना है, चावल के दाने को, अक्षत को दहलीज पर रख देना है। आपको वीडियो में दिख रहा है, सेम ऐसे ही आपको 31 चावल के दाने रख देना है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हरा मूंग, खड़ा मूंग, 31 हरा मूंग के दाने सीधे हाथ की हथेली पर रखना, और नंदीश्वर, जी हाँ, नंदी जी जहाँ विराजमान रहते हैं, नंदी जी का जो चरण उठा हुआ रहता है, उस उठे हुए चरण पर आपको 31 हरे मूंग के दाने समर्पित करना है। अब 31 मूंग के दाने आपको समर्पित कर देना है। अब आपको क्या करना है, बेलपत्री लेना है। अब बेलपत्री समर्पित करने से पहले आपको करना है एक विशेष काम, क्या करना है, बेलपत्री की नीचे वाली दोनों पत्ती पर लगा देना आप पीला चंदन, और ऊपर वाली पत्ती पर लगा देना लाल चंदन। जी हाँ, इसमें आपको दोनों चंदन का उपयोग करना है, लाल चंदन का भी और पीले चंदन का भी। तो नीचे की दोनों पत्ती पर पीला चंदन, लाल चंदन लगा दे, या पीला चंदन लगा दे, और ऊपर की पत्ती पर लाल चंदन लगा दे, और उस बेलपत्री को अपनी मनोकामना बोलते हुए महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। जब बेलपत्री समर्पित करोगे, डंडी का भाग जहाँ से जल फेंके जाता है
उस दिशा में करना है और आपको 31 बेलपत्री यानी एक एक करके बेलपत्री समर्पित करते जाना है। एक के ऊपर एक भी रख सकते हो, एक के बाद एक के नीचे भी रख सकते हो। ऐसे आपको 31 बेलपत्री समर्पित करना है अपनी मनोकामना को बोलते हुए। यह विशेष उपाय है सोमवार की अष्टमी का महा उपाय। जरूर कीजिएगा, कोई मनोकामना हो, चाहे विवाह को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, कोई भी आपकी दिल की बात है, आप इस उपाय को कर सकते हैं। दूसरा उपाय है विवाह के लिए है। जी हाँ, शादी नहीं हो रही है और उम्र बढ़ती जा रही है, सोमवार की अष्टमी के दिन इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। ये विशेष विवाह के लिए उपाय है। इस उपाय को आपने बहुत बार सुना होगा, पर मुझे कमेंट आया था कि दीदी एक बार फिर बताइएगा इस उपाय को, इसलिए उपाय फिर से बता रही हूँ मैं आप लोगों को। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है हल्दी। जी हाँ, एक कटोरी में हल्दी घोल लीजिएगा और उस हल्दी को लेकर आप जाइए शिवालय। जी हाँ, अपने साथ एक व्यक्ति को लेके जाइएगा, या कोई व्यक्ति साथ में जाए तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं जाए तो आप स्वयं अकेले भी कर सकते हो। पर अगर कोई व्यक्ति आपके साथ जा रहा है, जैसे आपके माता पिता, भाई बहन, कोई आपके साथ जा रहा हो, तो उनको लेकर जाए और शिवालय पहुँच कर महादेव की सबसे छोटी पुत्री जहाँ पर माँ अशोक सुंदरी का स्थान होता है ना, जी हाँ, यहाँ पर आपको उन लोगों से 7 बिंदी लगवा दीजिएगा। कितनी बिंदी? 7 बिंदी। और आप स्वयं अकेले भी गए तो आप खुद स्वयं भी 7 बिंदी लगा सकते हो। तो महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर हल्दी की 7 बिंदी लगा लीजिएगा। 7 बिंदी लगाने के बाद आपको अपने ही दोनों हाथ, जिसको विवाह करना है, उनको अपने दोनों हाथ उस हल्दी की बिंदियों के ऊपर रखना है। पहले बिंदी लगेगी, फिर अपने दोनों हाथ रखना है, बिंदी थोड़ी मोटी मोटी लगाना, थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी हल्दी लेना और टिप्पी रख देना। 7 टिप्पी रखोगे, दोनों हाथ उसके ऊपर हथेली रखोगे, अपना नाम और अपना गोत्र बोलना, और अपना नाम और गोत्र बोलने के बाद अपनी हथेली को फिर उठा लेना। जब हथेली उठाओगे यानी हाथ उठाओगे तो हथेली पर हल्दी लग जाएगी। हथेली पर जितनी हल्दी लग जाए उतनी हल्दी लगे रहने देना, और उस हल्दी को लेकर या तो आप पीपल के वृक्ष में छापे लगा दे 5। जी हाँ, मंदिर के आसपास पीपल का वृक्ष हो तो वहाँ 5 छापे लगा दे। पीपल का वृक्ष अगर नहीं मिलता है तो फिर उस केस में आप क्या करेंगे, अपने ही घर के मटके या परिंडे जहाँ रखते हैं वहाँ पर आप 5 छापे लगा सकते हैं। जी हाँ, अपने मटके परिंडे के पास 5 छापे वहाँ लगा दे, या फिर जिस कक्ष में लड़का या लड़की सोते हैं उस कक्ष में भी आप 5 छापे लगा सकते हैं। तो 5 छापे कैसे लगाते हैं, तो ये भी कन्फ्यूजन बहुत लोगों को है कैसे लगाते हैं। तो दो नीचे, दोनों हाथ से लगाया, दो नीचे लग गए, फिर उसके ऊपर भी दोनों हाथ लगाए तो 4 लग गए, और एक सीधा हाथ से एक सपोर लगा दे तो ये 5 छापे लग जाएंगे। 5 छापे लगा दे, विवाह का यह महा उपाय करके देखिएगा। विवाह बहुत जल्दी संपन्न होता है इस उपाय को करने से। यह उपाय केवल सोमवार की अष्टमी के दिन ही किया जाता है। तीसरा उपाय या पूजा समझिए। मुझे कमेंट आ रहा दीदी सोमवार की अष्टमी के दिन क्या व्रत रखना रहेगा, या सोमवार की अष्टमी के दिन पूजन कैसे करें। तो सोमवार की अष्टमी के दिन आप व्रत रखें या ना रखें जरूरी नहीं है, केवल महादेव की पूजा कर लेने से ही फल की प्राप्ति हो जाती है। सोमवार की अष्टमी का दिन शिव और शक्ति के मिलन का दिन है, तो इसके लिए आप जैसी पूजा अर्चना करते हैं रोज की वैसी पूजा अर्चना करें। और अगर आप नहीं करते पूजा अर्चना तो सोमवार की अष्टमी के दिन तो महादेव की पूजा अवश्य करें। उसके लिए एक लोटा जल लें, थोड़ा पीला चंदन या लाल चंदन लें, अक्षत लें, फूल लें, साथ में एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें, और एक बेलपत्री महादेव को सोमवार के अष्टमी के दिन तो अवश्य समर्पित करें ही करें। इस प्रकार सामग्री लेके जाए और बाबा की आपको जैसी पूजा करना आती वैसी पूजा अर्चना करें। पूरी पूजा अर्चना करने के बाद क्षमा जरूर मांग लें कुछ गलती हो जाए तो, पर एक बेलपत्री सोमवार के अष्टमी के दिन शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना बोलकर जरूर समर्पित करें। कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।